हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चन एंड आंसर, जिसमें हमारा टॉपिक होगा एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन वही है, एक्सपेंशन ऑफ एफटीपी इज, मतलब कि एफटीपी का पूरा नाम क्या है। ए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी फास्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड डी फास्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एफटीपी का मतलब ये होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि फाइल को ट्रांसफर करना है, यानी कि हमारे यहाँ पे पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वही देखते हैं, और यहाँ पढ़ भी सकते हैं कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का जो पोर्ट नंबर होता है वो 20 से 21 होता है। देखिए, जो प्रोटोकॉल होता है कंट्रोल करने के लिए उसको 21 होता है, और जो डाटा होता है उसका पोर्ट नंबर 20 होता है। ये कभी कभी पूछ दिया जाता है। और सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एफटीपी इज बिल्ट ऑन आर्किटेक्चर, एफटीपी किस आर्किटेक्चर बना हुआ है। ए क्लाइंट सर्वर, बी पी2पी यानी कि पॉइंट टू पॉइंट, सी डाटा सेंट्रिक और डी सर्विस ओरिएंटेड। तो देखिए, जो हमारा ये बना हुआ है एफटीपी, वो हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बना हुआ है, यानी कि यस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थ्री, एफटीपी यूजेज, एफटीपी जो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो यूज करता है कौन सा, कितने पैरेलल टीसीपी कनेक्शन को यूज करता है जब वो फाइल को ट्रांसफर करता है। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो तीसरे का हमारा ऑप्शन यहाँ पे जगह हो जाएगा बी, यानी कि दो पैरेलल टीसीपी कनेक्शन को करता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एफटीपी, यानी कि एफटीपी के संबंध में जो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन है। ए एफटीपी स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी एफटीपी यूजेज टू पैरेलल टीसीपी कनेक्शन, सी एफटीपी सेंड्स इन इट्स कंट्रोल इंफॉर्मेशन इन बैंड, डी पी एफटीपी सेंड्स एग्जैक्टली वन फाइल ओवर द डाटा कनेक्शन। तो चौथे का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि एफटीपी सेंड्स कंट्रोल इंफॉर्मेशन इन बैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है पांचवा नंबर, इफ फाइव फाइल ट्रांसफर फ्रॉम सर्वर, यदि मान लीजिए हम पांच फाइल को ट्रांसफर कर रहे हैं सर्वर ए से सर्वर बी, यानी कि क्लाइंट बी जो भी होता है हमारे यहाँ पे सेम सेशन में, द नंबर ऑफ टीसीपी कनेक्शन बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच जो टीसीपी कनेक्शन होगा इन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, उस दौरान क्या होगा। ए 5, बी 10, सी 2 और डी 6। मतलब कनेक्शन पूछा गया कि तो कनेक्शन कितना होगा, पांच फाइल को ट्रांसफर कर रहे हो तो उस कंडीशन में, तो पांचवे का हमारा हो जाएगा यहाँ पे ई हो जाएगा, 6 कनेक्शन होगा। एक तो पांच तो फाइल का होगा और एक एक्स्ट्रा, यानी कि 6 होगा हमारे यहाँ पे। दिया भी यहाँ पे एक होता है कंट्रोल कनेक्शन के लिए और पांच डाटा कनेक्शन के लिए, यानी टोटल कितने हो गए, 6 टीसीपी कनेक्शन हो जाएंगे यहाँ पे हमारे। यहाँ पूछा गया छठा नंबर, फाइल सर्वर क्या करता है। ए मेंटेन्स स्टेट इंफॉर्मेशन, बी इज स्टेटलेस, सी हैज सिंगल टीसीपी कनेक्शन फॉर ए फाइल ट्रांसफर, डी हैज यूडीपी कनेक्शन फॉर फाइल ट्रांसफर। तो हमारा सिक्स का हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, सिक्स का हो जाएगा ए, इसमें हो जाएगा ई, यानी कि मेंटेन्स स्टेट इंफॉर्मेशन, ई क्या पहला काम करता है। सेवन नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि द कमांड्स फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, यानी सर्वर से क्लाइंट की ओर जो भी हमारा होता है कमांड रिप्लाई करता है, फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट आर सेंट एक्सेस द कंट्रोल कनेक्शन इन बिट आस्की फॉर्मेट, कौन सा होगा, कितने फॉर्मेट में होता है, कितने बिट का आस्की फॉर्मेट होता है। ए 8, बी 7, सी 3 और डी दिया 5। तो बता रहे हैं इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 7 बिट का आस्की फॉर्मेट होता है जब भी हम यहाँ पे क्लाइंट से सर्वर के बीच कमांड करते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा आठवें नंबर क्वेश्चन, भैया है फाइंड द एफटीपी रिप्लाई हुज मैसेज इज रॉन्गली मैच्ड, जिसका जो मन गलत तरीके से मैच होता है उसको आपको मैच करना है। इसमें 337 यूजर नेम ओके पासवर्ड रिक्वायर्ड, ए कोड है 425 कैनॉट ओपन डाटा करेक्शन, सी 452 एरर राइटिंग फाइल और डी दी हमारा 452 कैनॉट ओपन डाटा कनेक्शन। तो आठवें का बताना है क्या होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा डी, ए कैनॉट ओपन डाटा कनेक्शन, ये क्या है रंगली मैच्ड है, मतलब इससे मैच नहीं कर रहा, बाकी सारे के सारे सही। नवा क्वेश्चन है भैया है, द डाटा ट्रांसफर मोड ऑफ एफटीपी इन विच ऑल द फ्रेगमेंटिंग हैज टू बी डन बाय टीसीपी। तो डाटा ट्रांसफर मोड होता है एफटीपी का, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, वो किस मोड में होता है फ्रेगमेंटिंग में। ए होता है स्ट्रीम मोड, बी होता है ब्लॉक मोड, सी होता है कंप्रेस्ड मोड एंड डी दिया है मैसेज मोड। तो 9 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी कि स्ट्रीम मोड में क्या होता है ट्रांसफर होता है डाटा। फिर 10 हमारा क्वेश्चन पूछा गया वह यह है,
इज द पासवर्ड इज सेंड टू द सर्वर यूजिंग कमांड। पासवर्ड को अगर हमको भेजना हो सर्वर पे तो हम किस कमांड का यूज करेंगे? ए पास डब्ल्यू डी, बी पास, सी पासवर्ड, ए पीपी वर्ड। तो देखिए जब भी हमको पासवर्ड को सेंड करना होता है सर्वर पे, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे जो बी ऑप्शन है उसको अप्लाई करते हैं, यानी कि पास कीवर्ड का यहाँ पे अप्लाई करते हैं।